अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ साद बट उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई कर रहे होंगे। ये भाई चल रहा है मज़ेदार सा, जो हमारा वीक जो चल रहा है ना फुल देसी एंड बहुत फ्यूजन के साथ चल रहा है। एंड वीकली स्लाइड से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एंड ऑथेंटिक रेसिपी बनने जा रही है, प्रॉन मसाला और शीर माल। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एंड हर घर में आई एम प्रीटी श्योर बनता है, दावतों में बनता है, ईद पे बनता है। तो आज समझे मैंने सोचा कि आज अपने सिग्नेचर स्टाइल में मैं आपको सिखाऊं, लेकिन ये प्रॉन मसाला जो है ना ये सिग्नेचर स्टाइल मेरा नहीं है, मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं एंड माओं की जो रेसिपी होती है ना वो आप लोगों को पता है इतनी ऑथेंटिक होती है एंड आप कुछ भी कर लें, मैं अगर अपना टच दे दूं या जिस तरीके से भी है ना वो जो माँ के हाथ का जो प्यार होता है, जो जिस तरीके से बनाती है वो ही रहता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आज मैं अपने तरीके से सिखाऊं, रेसिपी उन्हीं की है। सो ऑल थैंक्स टू माय मदर एंड अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों की, कितने अच्छे तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। साथ साथ आप लोगों को ये भी पता है PSL क्रिकेट का सीज़न शुरू हो चुका है भाई एंड मैंने अपनी टीम चूज़ कर ली है एंड आई सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं अगर आप लोगों ने क्या करना है कॉल करें, मुझे बताएं कि आप लोग किस टीम को सपोर्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी से, हम लोग की सारी चीज़ें जो प्रॉपर मेजर्ड हैं यहाँ पर एंड मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ बनाते हैं सारी चीज़ें मेजर्ड होती हैं प्रॉपर वेइंग स्केल से एंड सारी चीज़ें प्रॉपर कप से लेवल्ड होती हैं। जो रेसिपी कार्ड में है प्रॉपर उसी तरीके से आप चलेंगे तो आपका प्रोडक्ट है वो सेम वैसे ही बनेगा। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मेरे पास है यहाँ पर आधा कप पानी, पानी रूम टेम्परेचर पे है, चीनी मैंने लेने हैं 5 खाने के चमचे, कास्टर्ड शुगर है या ग्रैनुलेटेड दूसरी आपने लेनी है घर वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूध की जगह मैंने पाउडर मिल्क लिया है, पाउडर मिल्क से और ज़्यादा सॉफ्ट बनती है आपकी जो भी ब्रेड है, किसी चीज़ में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं ना सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर समझे 3 टेबल स्पून खाने के जो चम्मच होते हैं वो मैंने पाउडर मिल्क ले लिया है। यहाँ पर सॉल्ट हसबे ज़रूरत है। अब 250 ग्राम्स ऑफ मेरे पास है यहाँ पर मैदा प्रॉपर तरीके से छना हुआ है। यहाँ पर है मेरे पास घी। अब घी को आप किसी चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बटर के साथ नहीं, ये सिर्फ घी में ही बनेगा। यहाँ पर मेरे पास 75 ग्राम्स ऑफ घी है, क्लेरिफाइड बटर जिसको बोलते हैं एंड यहाँ पर मेरे पास है एक और खाने का चम्मच है मिल्क पाउडर। अब मैं आपको बताऊँ किस तरीके से बनता है, ये प्रोसेस जो है ना काफ़ी ईजी है लेकिन होता है कि आपको देखना पड़ता है किस तरीके से चीज़ बनेगी, रेस्टिंग पीरियड भी है इसमें। यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी, इसमें गई चीनी एंड इसमें गया मिल्क पाउडर। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स करना है एंड मिक्स ऐसे करना है कि जो शुगर ग्रैन्यूल्स है ना वो सारे इसके अंदर जज्ब हो जाएं। इसमें जाएगा नमक भी हसबे ज़रूरत, समझे 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इसको हमने करना है मिक्स अच्छे तरीके से। अब साथ साथ आपने क्या करना है, इसके साथ मैं पहन लूँगा ग्लव्स यहाँ पर एंड ये थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा आपने डो बनाना है। अब लेकिन डो बनाने के ना बहुत तरीके होते हैं, हम लोगों ने इसको क्या करना है डो बनाना है लेकिन हमने जो घी यहाँ पर इस्तेमाल किया उसको जज्ब होने देना है प्रॉपर तरीके से। जैसे ही वो हो जाएगा प्रॉपर तरीके से डो फॉर्म हो जाएगी अच्छे तरीके से, उसके बाद हमने वापस ये जो 1 चाय का चम्मच है मिल्क पाउडर वो डालेंगे एंड उसके साथ साथ फिर इसको वापस रेस्ट देंगे। अब यहाँ पर मैं मैदा डाल रहा हूँ, 250 ग्राम्स ऑफ मैदा है यहाँ पर, इसको आपने कर देना है मिक्स एंड अब मैं यहाँ पर विस्क हटा लेता हूँ क्योंकि अब टाइम है हाथ की मदद से ना इसकी गुनाई करनी है। ये साथ साथ हम लोग क्या करेंगे गूंदने के बाद ना ये क्योंकि चिपकेगा अभी, ये तभी मैंने ग्लव्स पहनी है ताकि प्रॉपर तरीके से ना आपको मैं दिखा दूँ जो प्रोसेस है। अच्छा अब साथ साथ हमने इसमें डालना है घी, ये सारा इसमें घी चला जाएगा। अब अगेन इसको आपने करना है मिक्स प्रॉपर तरीके से एंड जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे ना उतना समझे अच्छा ये जितना जज्ब होगा ये पूरा डो जो बनेगा ना। और फिर हम लोग ने क्या करना है, सिंपल शीरमाल के जो निशान होते हैं वो हाथों से लगाएंगे। आपके पास अब मैं दिखा दूंगा, अगर आपके पास कोई पिन है 3-4 वाली जो आती हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया था डो के साथ आपको मिल जाती हैं वो एक पैक मिलता है, ये ले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है
ये वाला। तंदूर वालों के पास ये चीज़ मौजूद होती है जो भी शीरमाल बनाते हैं, ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर ना मार्क्स आ जाएँ, जो एक्चुअल जो शीरमाल का जो आपको पता है होता है टेक्सचर जो होता है। अच्छा, अब क्या कर दिए आप, घी भी इसके अंदर जा चुका है, मिल्क पाउडर भी जा चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसको दे देना है रेस्ट। रेस्ट मैंने क्यों देना है, ताकि जो घी है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जम जाए। एंड अब इसके साथ साथ यहाँ पर मैं डाल दूंगा ऊपर मिल्क पाउडर, इसको भी मैं थोड़ा गून लेता हूँ। सिर्फ हल्का हल्का हाथों से आपने गूनना है इस तरीके से। ये इतनी जल्दी ये समझे डो जो है ना ये तैयार हो जाएगा, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट डो है ये। इस तरीके से आपने इसको उंगलियों की मदद से जो मिल्क पाउडर है ना वो करना है। साइड्स भी प्रॉपर स्क्रेप ऑफ कर दें, ये लें। एंड आपने इसको कर देना है अब साइड पे, ताकि अच्छे तरीके से रेस्ट हो जाए। आप लोग जाएं जल्दी से ब्रेक पे, ताकि इसका रेस्टिंग पीरियड भी हो जाए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ मैं। ब्रेक में मैंने क्या किया था, आपको प्रॉपर तरीके से सिखा दिया था कि डो किस तरीके से बनाना है। आपने पहले पानी के अंदर चीनी डालनी है, चीनी के साथ आपने डालना है थोड़ा सा नमक, हसबे ज़रूरत समझे, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। उसके साथ साथ मैंने 5 खाने के चम्मच जो होते हैं वो चीनी डाली है। उसको अच्छे तरीके से हल करना है, मेक श्योर करें कि जो ग्रैन्यूल्स हैं चीनी के वो मिक्स प्रॉपर तरीके से जो है ना उसके अंदर हल हो जाए, जो आपका मिक्सचर है। उसके साथ आपने क्या करना है, जो 250 ग्राम्स मैदा है प्रॉपर तरीके से छना हुआ हो, रूम टेम्परेचर पे हो, उसको आपने उस मिक्सचर के अंदर डाल देना है। घी डालना है 75 ग्राम्स, अच्छे तरीके से गूंदें। एंड एक चाय का चम्मच या एक खाने का चम्मच जो होता है आपने मिल्क पाउडर और डालना है, ताकि और इसके अंदर एक रिचनेस आए फ्लेवर की। मैंने क्या किया, माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया इस डो को, ताकि अच्छे तरीके से रेस्ट हो जाए। एंड आई एम प्रीटी श्योर रेस्ट का जो टाइम हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जो घी है ना वो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब आप देख सकते हैं जज्ब हो चुके हैं, मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हम लोग इसको ले आएंगे काउंटर पे, बस इसको मैं इधर लगा दूं, ताकि इसके हम लोग जल्दी जल्दी जो शीरमाल है ना वो प्रॉपर तरीके से हम स्टार्ट कर दें बनाना। आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट ये जो डो है ना ये रेडी हो चुका है। हमने अब क्या करना है, इसके पोर्शंस बनाने हैं। जितना छोटे आपने बनाने हैं आप छोटे बना लें, आपके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पर बड़ा बना लेंगे, बाकी दो छोटे छोटे बना लेते हैं। ये कॉल करें प्लीज़, लेट मी नो कि कोई रेसिपी है। आगे रमज़ान आ रहा है, आप लोग प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं कि रमज़ान में आप लोग क्या खाते हैं, सहरी में क्या खाते हैं, ताकि अच्छा है मुझे भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें हर घर में बन रही होती हैं। एंड अच्छा है ताकि मुझे भी मौका मिले आप लोगों को जानने का। अच्छा, यहाँ पर अब सिंपल क्या करना है, मैं पहले इसको फ्लैट कर दूंगा, क्योंकि इतने ये समझे सॉफ्ट वैसे ही हैं, ये हाथों से ही आपने इसको ना ये फैलाना है, क्योंकि अभी भी इतना सॉफ्ट है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है फातिमा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साद भाई, कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूं। आपको शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। साद भाई, मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि आप ये शीरमाल बना रहे हैं तो इसमें आपने ईस्ट नहीं डाला, तो राइस कैसे होगा? अच्छा, मैं आप एक काम करें कॉल रखें तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी कॉलर ने कॉल करके हमें कहा है कि इसमें हमने यीस्ट क्यों नहीं डाला है। कभी आप मुझे बस ये बताएं कि ताफ्तान जो होता है, कोई भी चीज़ जो इसको राइस करने के लिए हमें यीस्ट डालनी पड़ती है, शीरमाल में कभी भी यीस्ट नहीं जाती। शीरमाल इट्सेल्फ डेंस होता है, छोटी ब्रेड होती है, फ्लैट ब्रेड, स्वीट ब्रेड होती है, उसके अंदर यीस्ट नहीं जाता। आप कोई भी यीस्ट तब डालते हैं जब आप उसको प्रूफ करें, उसको ज़्यादा फुलाएं, तो वो ताफ्तान हो गया उसमें जाता है, आपका नान होता है उसमें जाता है, लेकिन आप शीरमाल के अंदर कभी भी यीस्ट नहीं डालते। अच्छा, सिंपल आप देख सकते हैं मैंने इसको भून लिया है। अब इससे मैं इसके ये लें, अच्छा ये लें। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर मैंने मार्क्स लगा दिए। अब एक और मेरे वैसे मैंने सोचा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं थोड़ी इन्फो के लिए, कि शीरमाल का जो डो इटसेल्फ है वो हम बनाते हैं घी के अंदर, वो सिंपल घी में बनता है, बटर में नहीं बनता। ना बटर में भी बना सकते हैं, दूध के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। शीरमाल के अंदर चीनी जाती है एंड घी जाता है एंड दूध जाता है, तो प्लीज़ ये याद रखें, और यीस्ट नहीं जाती। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है।
एंड जब आप भी घर में बनाएंगे ना तो आपको वाकई टेस्ट का पता चलेगा। एंड इवन आपके जो घर के पास तंदूर वाले आप उनसे भी पूछ सकते हैं मालूमात के लिए कि वो क्या क्या चीज़ें डालते हैं इसके अंदर, तो आपको प्रॉपर तरीके से जो जवाब है ना वो मिल जाएगा। सिंपल हाथ से मैं इसको कर रहा हूँ एंड अगेन आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना आपने साइज़ बनाना है। मैं यहाँ पर मिनी मिनी बना रहा हूँ छोटे, ताकि खाने में भी मज़ा है। अच्छा, अब हमारे पास आज का सवाल भी है। सवाल ये है कि मैंने शीरमाल जो बनाए हैं अभी जो इन प्रोसेस बन रहे हैं इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है। चले मैं आज ऑप्शन भी देता हूँ, मैंने बटर ऐड किया है या घी ऐड किया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कॉल करें ताकि आप लोग जीत सकें एनेक्स की डिलक्स केटल। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये जो शेप आ गई है। अब अगेन ये इसको थोड़ा हमने रेस्ट देना है यहाँ पर, और रेस्ट देने के बाद अगेन मैं इस पर मार्क्स दूंगा। ये लें फ्लावर से इसको प्रॉपर आपने डस्ट करना है। अच्छा, जब आप लोग घर पे बनाएं तो प्लीज़ इसको आधे घंटे का आपने रेस्ट देना है, क्योंकि इसके अंदर घी गया हुआ है। तो घी प्रॉपर तरीके से जब बाइंड होगा ना तब अच्छा सा समझे टेक्सचर आएगा। ये इसको अभी भी टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड है ताकि घी जो है प्रॉपर जज्ब हो जाए अंदर। अच्छा, हमारे पास हैं उस्मान फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि आपको बेलन की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इजीली हाथ से भी इसको फ्लैटन आउट कर सकते हैं। ये लें। अच्छा, हमारे पास हैं बिल्किस फ्रॉम वाकेंड। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाते हैं आप, बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को आपकी रेसिपी। थैंक यू सो मच। और आज भी बहुत अच्छी बना रहे हैं, प्रॉन बना रहे हैं, बैठ के देख रही हूँ, हंसी रही थी जी सर, और ये जो बना रहे हैं आप शेरमाल वो भी देख रही हूँ, बहुत शौक था मुझे बनाने का शेरमाल। बस आपकी समझे हमने फरमाइश नोट कर ली है एंड हमने बना भी दिया आज जी। और आप पूछ रहे थे ना हम शेरी में क्या खाते हैं, तो अल्लाह करे हम लोग इस दफा भी वैसे ही खाएं भाई, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। बिल्कुल, लेकिन जो है इंशाल्लाह ताला शेरी में जो है ना हल्का ही फुल्का खाते हैं, जैसे लस्सी पीते हैं, और जो है वो लस्सी तो जरूर पीना चाहिए क्योंकि ना फिर खाना जो है ना शेरी फिर बहुत अच्छे से गुजरती है जो रोजा हमारा होता है सारा दिन जी जी। तो पराठा हम बहुत कम खाते हैं, मतलब सादी रोटी हम लोग ज्यादा खाते हैं और सालन के साथ और लस्सी रखते हैं। चलें, क्या बात, बहुत अच्छा लगा आपने हम लोगों से पूछा कि क्या खाते हैं, मैंने कहा शेयर करती हूँ और आपका आंसर भी दूंगी, आपने घी डाला है इसमें। बस सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे पास अब्दुल हादी हैं फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी योर आंसर, आपका सवाल का जवाब है आपने इसके अंदर घी डाला है। बस क्या बात है अब्दुल हादी। यस साद भाई, आप आज ये दोनों रेसिपी इतने मजे मजे की बना रहे हैं। अच्छा अब्दुल हादी, आपसे एक और सवाल करूं? जी। सवाल ये करता हूं कि आपको पता है कि PSL क्रिकेट चल रहा है भाई, तो कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? जी हम तो लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करो यार। ओके। चलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम लोग ने क्या किया है, हमारे जो शीरमाल है उसको मैंने ओवन में डाल दिया है एंड प्रॉपर तरीके से प्रिक कर लिए, दो बार प्रिक करना है इसको। मैंने आपको दिखा दिया था किस तरीके से आपने करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने फोर्क से करना है। अच्छा, हमारे पास मिसेस आमिर फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी कॉल आपसे मिल गई है। आपको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अच्छा, मैं नई नई बेकिंग सीख रही हूँ इसलिए मैं ये आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया, तो आपने पता क्या, और एक वो जो मीठी नहीं नमकीन आपने बेकिंग की चीज़ें हमें ज़्यादा सिखानी। चलें ठीक है, आपकी कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ बताएंगी ताकि मैं उसको नोट डाउन कर लूँ?
हाँ वो जो बनते हैं ना चिकन के साथ ब्रेड बनती है जी, वो जी वाला मुझे सिखाएं बेटी जी। चलें ठीक है ठीक है। अच्छा और जवाब देना चाहूंगी बिल्कुल, ना बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपने घी डाला है अभी उसमें ना, ठीक है ठीक है। और बहुत अच्छी है आपकी बेकिंग, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बेकिंग करते हो बेटा। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हम लोगों ने शीरमाल डाल दी है, अब इनके अंदर दो बार प्रिक करना है। नाउ जस्ट मेक श्योर कि अगर ज़रूरत और पड़ी, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, अच्छे से इसमें कलर आ जाएगा। एंड में हमने क्या करना है, जैसे ही निकलेगा तो मेन जो काम आपने करना है, एक अच्छा सा बड़ा बर्तन ले लें या बोल ले लें, उसके अंदर पानी डालना है। जैसे ही गर्मा गर्म ये निकलेंगे शीरमाल, पानी में इसको डिप करना है, निकाल के बटर या घी से इसको हमने ब्रश करना है, तो वो जो प्रॉपर एक शाइन आती है ना मज़ेदार सी, वो शीरमाल के ऊपर आएगी। हम चलते हैं यहाँ दूसरी रेसिपी पे। मैं आपको बता दूँ कि मज़ेदार सी प्रॉन कढ़ाई मसाला बन रहा है यहाँ पर, एंड मसाला का मतलब ये होता है फुल भुना हुआ मसाला हो। अच्छा, मेरे पास हैं तैयबा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं साधा? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक जी। तो ये बात आपका प्रोग्राम देख रही थी अभी, बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच जी। और आपके सवाल का जवाब भी देना था। बिल्कुल जी, आपने घी डाला है इसमें। चलें ठीक है, आपका हमने जवाब जो है ना नोट डाउन कर लिया है। एंड लकी ड्रॉ इंशाल्लाह, अगर आपका नाम निकलेगा तो फिर आप लोग को मिलेंगे डिलक्स कैटल जो आने की। और आपने पूछा था कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, मुल्तान की है, मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद भी फेवरेट है मेरी, मेरे घर वाले अगर मैं किसी और की साइड लेना तो कहते नमक हराम, मुल्तान की साइड नहीं लेती। भाई हम तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल द वे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, हमारी जो दूसरी रेसिपी है, ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद आपको सारी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, तब तक आप देखते रहें मसाला टीवी एंड बेक विद एन एक्सपर्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब आप देख सकते हैं सेकेंड रेसिपी की तरफ हम आ चुके हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सा प्रॉन मसाला। कढ़ाई हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, रेसिपी बहुत सिंपल है, झटपट बनने वाली है, बस भुनाई हमने ज़्यादा करनी है ताकि अच्छे से जो मसाला है ना वो रच जाए। हम लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पर रेसिपी आपको बता दूँ, बहुत सिंपल ऑब्वियसली प्रॉन मसाला है, तो हमारे पास प्रॉन्स है यहाँ पर 300 ग्राम्स ऑफ प्रॉन है। प्रॉपर तरीके से इसकी वेन जो होती है वो निकाल देनी है, एंड जो शेल है वो भी आपने निकाल देना है, टेल भी निकाल देनी है, प्रॉपर साफ आपके पास हो प्रॉन। अच्छा, अगर आपने फ्रीज़ करके रखा हुआ है पहले से तो उसको जब आप डिफ्रॉस्ट करेंगे, प्लीज़ जब भी आप डिफ्रॉस्ट करें इसके अंदर पानी ना डालें, सिंपल उसको 2-3 घंटे पहले निकाल दें ताकि पानी उस पर ना लगे। जब आप जब प्रॉपर तरीके से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा, इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लगा देना, अगर आपके हल्दी है थोड़ी सी तो वो भी लगा दें ताकि इसमें इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, जो बुरी फिश की जो स्मेल होती है सी फूड की, वो नहीं आएगी। फिर 300 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास ब्लांच किए हुए जो टोमेटोज़ थे उसको हमने प्यूरी बना लिए, प्यूरी एंड पेस्ट दोनों को मिक्स कर देना है आप लोगों ने। 3-4 टमाटर लेने हैं, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दें, थोड़ा सा पानी डाल दें उसमें ताकि अच्छा सा वो एक ब्लेंड हो जाए, प्यूरी बन जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने मसाला बनाना है, नहीं हम ये बनाएंगे ऑयल में नहीं, घी के अंदर। घी का इट्सेल्फ बहुत मज़ेदार सा एक टेक्स्चर होता है, फ्लेवर होता है, तो वह आपने ऐड करना है। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना घी में मज़ा देती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास घी है, अपने हिसाब से लें, ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, 1-2 टेबल स्पून हम लगाएंगे इसके अंदर ताकि अच्छे से बस भुनाई हो जाए, फ्लेवर आ जाए। अब आप देख सकते हैं जो मसाले मेरे पास हैं, बहुत कम मसाले हैं यहाँ पर मेरे पास। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, एंड यहाँ पर समझे काली मिर्च है, नमक है और गर्म मसाला, ये इससे थोड़ा सा जाएगा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास ज़रदा रंग है, वो हम थोड़ा सा कलर और ज़्यादा आने के लिए डालेंगे, लेकिन देख लेंगे अगर कलर की ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे, अदरवाइज इज़ टोटली फाइन। अब आपके पास, अच्छा हमारे पास सोबिया है फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक हैं। आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त सुपर हिट रेसिपी होती है। थैंक यू सो मच जी। सूजी केक आपने इतना डिफरेंट, इतना यूनिक बनाया था, बहुत अच्छा। मैंने तो सारे केक बनाए, इनका भी ऐसा केक नहीं बना। बस आपने वो ट्राई करना है ना।
जी जी मैंने बनाया था, अभी तो बता रही हूँ कि अच्छा, बहुत डिफरेंट बना, बहुत अच्छा, सबको बहुत पसंद आया। चलें थैंक यू सो मच। मैंने बहुत अच्छा केक बनाया लेकिन ये वाला केक बहुत ही मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का और बहुत सबको पसंद आया, तो मैंने कहा आपसे तारीफ करूँ और मतलब आपको इसी तरह कामयाबी दे, इतनी अच्छी अच्छी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपने सवाल पूछा था, उसका भी जवाब देना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। शीरमाल में आपने घी का इस्तेमाल किया है, बस ठीक है आपका। और ये भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बने। बस उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि आपकी सब रेसिपीज परफेक्ट होती हैं। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। अब बहुत अच्छा अंदाज होता है बताने का, बहुत ईजी सब समझ में आ जाता है आसानी से। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मैंने प्रॉन्स डाल दिए, यहाँ पर घी डाला है, गार्लिक मैंने डाला है, दो क्लोव्स थे मेरे पास, दो जवे थे, उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है घी के अंदर, वो कर लिया है। अच्छा मैंने उसी के फौरन उसको ज़्यादा कलर आने नहीं दिया है ताकि उसका पानी भी जो गार्लिक छोड़ेगा ना वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए प्रॉन्स के अंदर। 300 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स हैं, बस हल्का सा इसको भुनाएंगे ताकि ये समझें जो कलर जो है ना इट सेल्फ प्रॉन का वो हल्का सा चेंज हो जाए, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। आपको पता है कि जो प्रॉन्स होते हैं। अच्छा हमारे पास आयजा फ्रॉम लाहौर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट थैंक यू। साद भाई मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। बिल्कुल। आपके क्वेश्चन का आंसर है घी। बस सही है, थैंक यू सो मच। और साद भाई आपने आपने पूछा था ना कि किसको सपोर्ट करिए, साद भाई मुझे मसाला चैनल में इतना इंटरेस्ट है कि मैं कराची को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अगर आप कहते हैं इस्लामाबाद को सपोर्ट करो तो अब मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट करूँगी। बस ऐसी स्पिरिट के साथ आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करना है। जी जी ज़रूर। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर। अच्छा अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास टोमेटो प्यूरी थी, हम वो डाल देंगे, ये सारी इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। 3 से 4 टमाटर थे उसको हमने प्रॉपर तरीके से ब्लांच किया, पहले छिलके उतार दिए, फिर उसको हमने इसको ब्लेंड कर दिया थोड़े से पानी के साथ। अब ये इसी के साथ जो है ना प्रॉन्स वो इसी के अंदर पकेंगे, साथ साथ हमने क्या करना है यहाँ पर जो सारे हमारे पास मसाले हैं ना वो भी ऐड कर देंगे। काली मिर्च है हमारे पास, धनिया पाउडर, अब सारी जो जितने हैं ना ये पाउडर जो है हाफ हाफ टीस्पून में डाल रहा हूँ, लेकिन प्रॉन अगर आपने ज़्यादा डालें तो अपने हिसाब से आपने बढ़ा देना है। या लहसुन है, लहसुन का पाउडर है क्योंकि मैंने पहले फ्रेश गार्लिक डाला था। अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी एंड गरम मसाला। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ताकि और जो हमारी जो डिश है ना उसको थोड़ा और रिच बनाने के लिए, यहाँ पर बटन चिलीज़ है देख सकते हैं, होल मिर्च जो होती है वो भी हम थोड़ी सी इनमें ऐड करेंगे ताकि अच्छा प्रेजेंटेबल लगे। यहाँ पर मेरे पास मिर्चें हैं, धनिया यहाँ पर है, यहाँ के पास देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास राइस भी है, राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, शीरमाल के साथ खाएं, दैट्स टोटली योर चॉइस। हाँ फ्लेम मैं तेज़ कर देता हूँ ताकि बस हमने इसको प्रॉपर तरीके से सिमर होने देना है एंड जो इसकी भुनाई है ना एंड में फिर वो होगी। तो आप देख सकते हैं शीरमाल भी इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है क्योंकि घी को लगता है थोड़ा टाइम बनने में, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने क्या किया यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया है, 190 पे कर दिया, 180 पे था, आप लोगों ने घर पे 180 पे ही पकाना है ताकि अच्छे तरीके से टाइम लगेगा उसको, 25-30 मिनट्स लगेंगे लेकिन ये बहुत मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर ज़ीरा है, ज़ीरा को मैं थोड़ा सा भून लेता हूँ क्योंकि भूनने का जो वो भुना हुआ जो ज़ीरा होता है ना उसकी महक जो होती है वो होती अलग है। एंड इसका पाउडर ना यूज़ किया करें, बस भूनने के हिसाब से आपने हाथ से बस क्रश करके डालना है, उसका समझे टेस्ट जो है ना बिल्कुल अलग आता है। इसको प्रॉपर से बस कलर आ जाए। हमारे पास है उस्मान फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसे उस्मान? जी बिल्कुल ठीक। साद भाई आप आज शीरमाल बना रहे हो, मुझे उसमें बस एक सवाल ही करना था कि आपने यीस्ट क्यों नहीं डाला, और जो आपने भी रीज़न बताया था वो मतलब ऐसा होता है या नहीं होता? और दूसरे ये कि मेरे कुछ कज़न्स आपको ना जो है सलाम देना चाह रहे थे, वो लोग US में होते हैं, तो मरियम और आयशा की तरफ से मैं आपको सलाम भी देना चाहता हूँ। चलिए मरियम आयशा को वालेकुम अस्सलाम। ओके साथ भी मुझे बता देगा ये इसका भी। ओके
अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग उस्मान। जैसे मैंने पहले कहा कि यीस्ट जो ऐसी चीज़ों में डाला जाता है जिसका जो राइजिंग एजेंट होता है, तो वो शीरमाल में नहीं डलता, क्योंकि शीरमाल इटसेल्फ फ्लैट ब्रेड होती है, स्वीट फ्लैट ब्रेड होती है, जो कि ईरान की, वैसे आपको बताता हूँ, जो ओरिजिन है ना ये ईरान का है, तो ईरान में ये खाई जाती है। एंड जो लोग माइग्रेट हुए हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, जो आए फिर हम लोग अब प्रॉपर तरीके से खाते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी लखनऊ में शीरमाल बहुत शौक से खाई जाती है। तो ये ईरानियन डिश है, क्योंकि हम लोगों को होता है कि हम लोग डिश बना तो लेते हैं लेकिन हमें इटसेल्फ पता नहीं होता इसके ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन लाजमी अपना कोशिश किया करें, इंटरनेट से पढ़ा करें। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ज़ीरा जो है भून लिया था, अब हाथ से सिंपल मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आप लोग जाएं छोटी सी ब्रेक पे ताकि थोड़ा क्लियर अप भी हो जाए, एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आपको बताता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब आप देख सकते हैं कढ़ाई मैंने चेंज कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझे जो मेरा सेट है ना उस पर पटाखे हो रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा क्लीनलीनेस का भी ख्याल रखें। एंड ये बहुत ही समझे सिमर कर रही है, बहुत मज़ेदार। एंड फ्लेम मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने डालनी है इसके अंदर मिर्च, ये गोल वाली जो मिर्च हैं ये डाल देंगे इसके अंदर। एंड साथ साथ जो साबुत जो मिर्चें होती हैं वो भी हम ऐड कर देंगे, बस थोड़ी सी एंड में गार्निश के लिए रहने देंगे। एंड हमारे पास है यहाँ पर लेमन, एक लेमन स्क्वीज़ करना है, ताकि एक मज़ेदार सा जो खट्टा और फुल मज़ेदार सा जो स्पाइसी जो टेस्ट है ना वो आए। ये लीजिए, बस की भुनाई आपने करते रहनी है, अच्छी सी भुनाई होती रहेगी तो जो फ्लेवर है इट्सेल्फ वो समझे और रिच होता रहेगा। अच्छा, साथ साथ मैंने आपको कहा था मेरे पास कलर है थोड़ा सा, ताकि और जो फ्लेवर समझे एक्स्ट्रा है वो, और जो समझे कलर जो है ना वो बहुत मज़ेदार सा और आ जाए, ऑरेंजी जो कलर होता है ये ना। ये इट्सेल्फ इतने मज़ेदार लग रही है और जो फ्लेवर है ना ज़बरदस्त। इसको हमने और करना है थोड़ा सा, हम धनिया डाल देंगे, बाकी हम एंड में डालेंगे। ये इसको वापस मैं लिड डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, सिमर हो जाए प्रॉपर तरीके से। हम लोग आ जाते हैं अपने शीरमाल पे, शीरमाल पे कलर तो बड़ा अच्छा आ चुका है, तो अब हमने क्या करना है भाई, यहाँ पर इसको निकालेंगे। एंड इसको हमने क्या करना है, फौरन फौरन मैं आपको बताऊं, आपने इसको पानी के अंदर डिप कर देना है। यहाँ पर मेरे पास बोल है, बोल में हम डालेंगे पानी, सिंपल पानी डालना है। एंड यहाँ पर मैं एक प्लेट निकाल लेता हूँ ताकि आपके सामने जो है ना मैं दिखा दूँ किस तरीके से हमने ये करना है। ये इसको इधर ले आते हैं, इसको ये गया पानी के अंदर, इसको प्रॉपर सोक करना है, इसको हम सोक कर देंगे। अच्छा, हम उमर फ्रॉम पेशावर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस सब खैरियत ठीक ठाक हूँ। आज प्रॉन पानी बन रही है जी, प्रॉन मसाला बन रहा है और शीरमाल। जी जी, आपके क्वेश्चन का पहले आंसर दे दें। बिल्कुल जी, जी है। हेलो जी 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 जी, और कोई फरमाइश करेंगी? जी, मुझे सिंधी बिरयानी पसंद है, वो बनाएं दोबारा। बस ठीक है, आपकी फरमाइश ना हमने नोट डाउन कर ली है, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम बिरयानी की पूरी जो है ना एपिसोड्स भी करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत जी ठीक है, बहुत मेहरबान, चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बिल्कुल गर्मा गर्म जो है ना वो ही आपने पानी के अंदर डिप करना है। एंड मैंने यहाँ पर बटर की लेयर लगा दी है, इसको प्रॉपर डिप करें। एंड ये लें, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, यहाँ पर बटर की लेयर लगानी है। अच्छी लेयर लगाएं इस पर, क्योंकि अंदर खुद ही जज्ब हो जाएगा ये। मैं आपको दिखा देता हूँ अलग अलग रख के ताकि आपको आइडिया हो जाए।
एंड अगर आपने एग वॉश लगाना है तो आप एग वॉश भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आ चुका है इस पर ऑलरेडी। बाकियों को भी हम कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास है मुशर्रफ फ्रॉम राजनपुर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अरे सर, मैंने आंसर देना था। जी जी बिल्कुल जी, आपने घी इस्तेमाल किया था शीरमाल के अंदर। ठीक है जी, और मेरी एक फरमाइश है, काय वाली बिरयानी जो होती है ना वो बनानी है आपने, अगर हो सके तो। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश हम पूरी कर देंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एंड आप देख सकते हैं ये जो बटर है ये बिल्कुल जस्ट हो चुका है, एंड कलर जो इट सेल्फ है वो आ चुका है। एंड ये जो बस आखिरी वाला है ना, इसको भी हम यहाँ पर इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये ठीक है, पानी के अंदर। एंड इस पर फिर हमने क्या करना है, बटर की लेयर लगानी है। ये बस अच्छे तरीके से सोक हो जाए एंड इसको निकाल देंगे अब यहाँ पर। एंड अब क्या करना है, हमने इसको बटर लगाना है। आपके पास घी है तो घी लगा लें, बटर है तो बटर लगा लें, लेकिन ये खुद इट सेल्फ सेटल हो जाएगा। ये एंड हम आ जाते हैं हमारी जो प्रॉन मसाला जो है ना, ये लें। हमारे पास हैं अस्मा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम आल्सो वेरी गुड। अच्छा, मैंने एक तो बताना था कि शहरी में हम लोग क्या खाते हैं। कश्मीरियों का ज़रा हेल्दी होता है, चाहे शहरी हो चाहे इफ्तारी हो, दोनों चीज़ें हेल्दी होती हैं और माशाल्लाह काफ़ी कुछ होता है। और जो हमारा होता है कि एक तो प्यास ना लगे, चाय को अवॉइड करते हैं, और लस्सी और पराठे ये हमारे शहरी में होते हैं। और इफ्तारी में भी माशाल्लाह हर चाट और वो जो समोसे पकौड़े सब कुछ होता है। सही है, ज़बरदस्त। आपका आंसर भी देना चाहूंगी, आपका आंसर घी है और बाद में आपने उसके ऊपर बटर की ऊपर आपने लगाया उसके। और आपने पूछा था कि हम लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स लाहौर है तो लाहौर लाहौर को ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉन मसाला जो है ना रेडी हो गया है। मैं करता हूँ डिश आउट, आप लोग जाएं रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। प्रॉन मसाला, अज्जा, झींगे 300 ग्राम, टोमेटो प्यूरी, दो टमाटर की, टमाटर का पेस्ट, दो खाने के चमचे, हल्दी एक चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला एक चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया एक खाने का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन पाउडर या पेस्ट एक खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब, एक बोल में ब्लेंड किए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, पिसा जीरा, नमक, टमाटर का पेस्ट, पिसा गरम मसाला, हल्दी और प्याज और धनिया मिलाएं। अब इसमें झींगे शामिल करके सौटे कर लें और गरम सर्व कर दें। शीरमाल, अज्जा, नमक आधा चाय का चमचा, चीनी 5 खाने के चमचे, खुश दूध 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, मैदा 250 ग्राम, घी 75 ग्राम, खुश दूध 1 खाने का चमचा, पानी शीरमाल डिप करने के लिए। तरकीब, बोल में नमक, चीनी, खुश दूध और पानी मिलाकर चीनी के साथ हल कर दें। अब इसमें मैदा डालकर गूंदें, घी और खुश दूध मिलाकर 10 मिनट छोड़ दें, फिर बेक करके पानी में डिप कर लें। इसके बाद मक्खन लगा के सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रीकैप ब्रेक। आई एम प्रीटी श्योर आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। बहुत मज़ेदार सा समझे प्रॉन मसाला रेडी हो चुका है। एंड जो शीरमाल है ये देखें कितने मज़ेदार, मैंने थोड़ा सा और बटर उसके ऊपर लगा दिया था, अगर आपके पास घी है तो वो भी लगा दें। एंड ये समझे इतना मज़ेदार, ये जब आप खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। पानी के अंदर सोक करना है जैसे ही निकले, बस एंड की जो गार्निशिंग है ना वो थोड़ी सी कर दूँ। उसमें मेरे पास धनिया है, बस हल्का सा इसमें हमने धनिया ऐड करना है। एंड आखिर में सबसे मेन जो हमारा एक और लेमन ये है, और इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए ना मैंने डाल दिया है। राइस के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं, जो आपका दिल चाहे जिसके साथ खाएं, वैसे खाली भी बड़े मज़ेदार सा लगता है। इवन आपने क्या करना है इसको, आप रमज़ान आ रहा है सहरी में भी आप बना के खा सकते हैं, क्योंकि बहुत वैरायटी अब आ गई है। आपको हम और भी समझे डिशेस जो है ना आपको बना के सिखाएंगे, ताकि आप रमज़ान में भी सहरी में इफ्तार में ऐड कर सकें।
रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है, फीडबैक ज़रूर देना है। एंड सारी जो रेसिपीज़ है ना हमारी मसाला मैगज़ीन के अंदर हैं, तो आपने क्या करना है, जल्दी जाए किसी भी बुक स्टोर पर ताकि सारे जो मैगज़ीन्स हैं, अभी हमारे सबा का मैगज़ीन फ्रंट कवर आया हुआ है एंड उनका इंटरव्यू भी है, हमारे सारे शेफ्स की रेसिपीज़ भी है इसके अंदर, तो जल्दी जाएँ ख़रीद के लेकर आएँ। सारे जो हमारे सीक्रेट्स हैं ना रेसिपीज़ के, वो इसके अंदर हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो आप लोग ने भी करना है। ऐसे ही देखते रहें PSL क्रिकेट भी। मसाला टीवी मुझे एंड मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।